कौन बताएगा? आ जाए आप वापस, ईशान आ जाए। क्या किया है आपने? एक मिनट, क्या किया है आपने? इक्वल साइन बेटा मैंने सब वैल्यूज के साथ इसीलिए लगाया था ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सीधी सीधी वंस में वैल्यू दी गई थी, प्लस वन दिया गया था, ऊपर मैंने स्टेटमेंट भी लिखी है कि हमने जस्ट इसमें क्या चेंजिंग किस चीज़ की है, सिर्फ वन की चेंजिंग है कि वन ऐड करना है हर प्लेस में हमने, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आपकी जो है वो चेंज हो जानी है। इसमें इतना कन्फ्यूज़ होने वाली कौन सी बात थी उसको? आ जाए इरहा आप, एक मिनट, सॉरी ईशाल एक मिनट बेटा बस, अब नेक्स्ट देखें, आप अपनी सीट पे चले जाएँ। अब देखें कौन सी दो प्लेसेस हैं जहाँ पे वैल्यूज़ दे दी गई हैं, नेक्स्ट वैल्यूज़ कौन सी प्लेसेस में दी गई हैं बोर्ड पे? जी ईशाल, 100 एक वैल्यू, नो 100 में तो आपका आंसर नहीं आना चाहिए। देखें सर 100 की प्लेस में आपका आंसर आना चाहिए ना, क्योंकि टेंस एंड वंस में आपकी वैल्यू दी गई है। जब टेंस और वंस की वैल्यू में वन ऐड करेंगे तो कौन सी वैल्यू चेंज होनी है जाके 100 की? अब कौन आएगा करने के लिए? आज इरहा आज आप ऐसे क्या किया आपने? ओके 99 + 100 हो गया जी, 100 की वैल्यू चेंज होगी। इस कदर के इजी था जिसकी हक नहीं है। अब आगे आप कौन सी, अब नीचे तीन प्लेसेस में वैल्यू दे दी गई है, स्टेप बाय स्टेप हमने इंक्रीज किया ना चीज को, सिर्फ किसके लिए? कि आपको समझाने के लिए कि आपने उसको करना कैसे है। पहले हमने की सिर्फ वंस की प्लेस में वैल्यू, फिर हमने की टेंस एंड वंस की वैल्यू, फिर नेक्स्ट हम किस कौन सी प्लेसेस में वैल्यूज ऐड हैं? 1000 में कैसे हैं? 1000 में तो नहीं है, देखेंगे 100 में वैल्यू दी गई है, उसमें ऐड क्या करना है हमें? क्या ऐड करना है? ओके और वैल्यू कौन सी चेंज होगी फिर, कौन सी प्लेस में जाकर वैल्यू चेंज होगी? जी कौन सी प्लेस में वैल्यू चेंज होगी? 1000। थैंक गॉड, कुछ तो समझ में आया। इतना आसान, इससे आसान हो नहीं सकता था वैसे कुछ। अहमद आएंगे, पाँव उठा के। जी 999 + 1 इक्वल्स करें क्या बस? अहमद ये आपके लेवल से बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है बेटा, आप बड़ी क्लास में हो इसलिए जल्दी से इस पर गौर करें। क्या साइड पे हूँ थोड़ा सा बेटा, देखें तो ज़रा अहमद ने ठीक ही है। हंस के क्यों दिखा रहे हो, गलत किया है आपने। कौन आएगा, किसको समझ आ रही है? आप चले जाए, ईशाल को दे दे। ईशाल जल्दी से, स्पेस तेज होनी चाहिए बेटा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए जितना आप लगाते हो। असल में मसला ये है, आप लोगों को स्कूल में इस किस्म की कोई प्रैक्टिस करवाते नहीं है, सीधी सीधी डायरी दे दी 1000। कैसे ईशाल? देख लें वो आपसे कितनी क्लास पीछे है, इसके बावजूद उसने अपने माइंड में सोच के आंसर कर दिया है। शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग करें सारे ईशाल के लिए। ये उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, पता है पहले नहीं इसने, ना मैंने इसको कॉपी के ऊपर करवाया है और ना ही उसने बोर्ड पे, हमने ये बोर्ड का तो उनका भी काम खैर स्टार्ट ही करवाया है मैंने, तो इसके बावजूद खुशी हुई मुझे ईशाल के कि उसने अपनी मेमोरी को यूज़ किया, उस प्रैक्टिस को यूज़ किया जो इतने दिन हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। बेटा उसका कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना फिर, ये तो कोई बात नहीं है कि मैं इतनी मेहनत भी करवाऊँ और आप लोग फिर भी यहाँ पे आके अगर
आपको समझ ना आए तो फिर